मालिक गैराज की धुलाई करती है। ठीक है, ये ले 20 रुपए, हर हफ्ते आकर गैराज की धुलाई कर जाया कर, ठीक है? मालिक 20 तो बहुत कम है, मुझे मुकेश बता रहा था आप उसे 50 रुपए देते थे। मालिक बहुत मिट्टी और धूल जम रही थी, बहुत समय लग गया धुलाई में। मुकेश कौन होता है बताने वाला क्या करना क्या नहीं है? करना है तो 30 रुपए में कर ले, वरना मैं कोई और ढूंढ लूंगा। सरिता के लिए वो 30 रुपए भी बहुत कीमती थे। एक गरीब विधवा औरत जो कि अपने पति के जाने के बाद अपनी 3 बेटियों को पाल रही है। सरिता झाड़ू पोछे के काम करके गुजारा करती है। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरती हुई वो पूरा दिन काम करके शाम को घर लौटती है। वो जिस झुग्गी में अपनी बेटियों के साथ रहती थी वो किराए की थी और किराया था 300 रुपए। कुछ दिन पहले ही सरिता जिस घर में काम करती थी वो काम उसका छूट गया। इस कारण सरिता बहुत परेशान थी। मालकिन कपड़े धुल गए हैं, मैं चलती हूँ। अरे रुक, ऊपर की छत की धुलाई तो तूने की ही नहीं, रोजाना बहाना बना देती है। कल धो दी थी मालकिन, साफ है छत। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप जाकर छत की धुलाई कर। मालकिन छत की सफाई हो गई है, अब जाऊं, रात होने वाली है, बच्चे घर पर अकेले हैं। हाँ जा, पर कल सुबह टाइम पर आ जाना, मेहमानों ने आना है, बहुत काम होगा। आज तो बहुत देर हो गई, पता नहीं तीनों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ब्रेड और एक दूध की थैली लेती जाती हूँ, बच्चे कुछ तो खा ही लेंगे। सरिता घर पहुँचती है, उसकी बड़ी बेटी निशा दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ निशा, दरवाजे पर क्यों खड़ी है, कितनी ठंड हो रही है? माँ, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे पूजा, क्या हुआ बिटिया? माँ, माँ बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, तेरा तो बदन तप रहा है, रुक मैं तेरे लिए दवाई बनवा कर लाती हूँ। सरिता पड़ोस में बनी दवाई की दुकान पर जाती है और सारी परेशानी बताती है। दुकानदार सरिता को दवाई की खुराक बनाकर दे देता है। ये ले पूजा, एक ब्रेड का पीस खाकर दवाई ले ले, तेरे को अभी आराम आ जाएगा। मालकिन, मालकिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं इसीलिए नहीं आ पाई। मैं तो कभी भी छुट्टी नहीं करती, ऐसे काम से मत निकालो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है, अभी मेरा दिमाग खराब मत कर, जाए यहाँ से। सरिता को पड़ोस में रहने वाले मुकेश ने गैराज में धुलाई का काम दिलवाया। उसके मालिक ने भी उसे 30 रुपए पकड़ा दिए, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। भारी ठंड में सरिता सड़कों पर काम ढूंढने के लिए निकलती, पीछे से उसकी बेटियां भी अकेली भूखी प्यासी उसका इंतजार करती थी। ऐसे ही एक दिन सरिता गैराज का काम करके घर लौट रही थी। रास्ते में सरिता को चक्कर आने लगे और सामने से आती हुई एक गाड़ी से का एक्सीडेंट हो गया। लोगों की भीड़ लग गई। अरे भैया, गाड़ी वाला मार गया, इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है भैया। हे राम, ये तो सरिता है, मेरे पड़ोस में झुग्गी में रहती है। राम राम राम, ये तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अब इसकी बेटियां तो अनाथ हो गई, बिन माँ बाप की बच्चियां कैसे गुजारा करेगी। कुछ लोग मिलकर सरिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सरिता की 3 बेटियां अब इस दुनिया में अनाथ हो गई थी। झुग्गी का किराया कौन देता है, इसलिए झुग्गी के मालिक ने उन 3 बच्चियों को झुग्गी से निकाल दिया। माँ, तुम अभी छोड़कर क्यों चली गई? माँ, माँ। चुप हो जा मीरा, रो मत, दीदी बहुत ठंड लग रही है। चलो सामने पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहाँ थोड़ी कम हवा लगेगी। पूजा, तू मेरा स्वेटर भी पहन ले, इससे तुझे कम ठंड लगेगी। पर दीदी, आप क्या पहनोगी, आपको भी तो ठंड लगेगी। नहीं पूजा, मुझे ठंड नहीं लग रही, तुम दोनों यही पेड़ के नीचे सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। पूरी रात तीनों बहनें 31 दिसंबर की रात ठंड में ठिठुर रही थी। आसपास नए साल की धूम का बहुत शोर था। निशा दीदी, ये पटाखों की आवाज कैसी आ रही है, आज तो दिवाली भी नहीं है। अरे नया साल है कल, इसीलिए लोग नए साल की खुशी में पटाखे छोड़ रहे हैं। लेकिन दीदी, बाहर तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड में लोग नए साल पे पटाखे जला रहे हैं, इन्हें ठंड नहीं लग रही दीदी? नहीं, क्योंकि उन सब ने बहुत गर्म स्वेटर और कोट पहने हैं, इसी कारण उन्हें ठंड नहीं लग रही। निशा दीदी, जैसे मैंने 2 स्वेटर पहने हैं। हाँ मेरी प्यारी बहना, पर दीदी आप तो ठंड से कांप रहे हो। अरे नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। निशा पूरी रात बिना स्वेटर के ठंड में कांपती रहती है। अगले सुबह नए साल का पहला दिन था, लोग आ जा रहे थे। आते जाते लोगों की नजरें उन 3 बहनों पर पड़ रही थी। निशा दीदी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? निशा दीदी, निशा दीदी, दीदी
निशा दीदी तो कुछ बोल भी नहीं रही है। निशा ठंड से बेहोश हो गई थी। पूजा और मीरा बहुत जोर से रोने लगती हैं। आते जाते कुछ लोग दो घड़ी उनके पास रुकते फिर आगे बढ़ जाते। कोई भी उन बच्चों की सहायता के लिए आगे नहीं आया। तभी कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ से गुजर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों रो क्यों रही हो? निशा दीदी कुछ नहीं बोल रही है दीदी, पता नहीं हमारी दीदी को क्या हो गया है। रोहित मेरा बैग पकड़ो, लगता है ठंड से बच्ची बेहोश हो गई है। हमें इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहित जल्दी से कैब बुक करो। सिया मेरे बैग में एक शॉल होगा, निकाल दे। ये लो तानिया। तानिया कैब आ गई है। तानिया नाम की वो लड़की अपनी शॉल से निशा को अच्छे से लपेट लेती है और वो सब तीनों बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर समय पर निशा का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद निशा को होश आ जाता है। निशा अपने बारे में बताती है। तीनों बहनों की दुख भरी कहानी सुनकर तानिया और उसके फ्रेंड्स बहुत दुखी होते हैं। तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें ठंड में यूं सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। तानिया के पापा की शहर के एक अनाथ आश्रम में जान पहचान थी। तीनों बच्चियों को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ पर उनकी बहुत अच्छे से देख रेख होती है। तीनों बच्चियों की जिंदगी सवर जाती है। अब उन्हें वहाँ पर पढ़ने लिखने खेलने कूदने को मिलेगा। गर्मी सर्दी और बरसात के मौसम में सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। उन युवाओं की बदौलत आज सरिता की तीनों अनाथ बेटियों को एक परिवार मिल जाता है। अपने जैसे बहुत से बच्चे मिल जाते हैं जो वक्त और गरीबी के मारे हुए हैं, जो इस दुनिया में अनाथ है। निशा पूजा और मीरा तीनों बहनें मिलकर अब उसी अनाथ आश्रम में सबके साथ रहने लगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।